गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो थर्ड यूनिट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिलेटेड है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखते हैं सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस होती है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन होते हैं बिज़नेस, सेल्फ रेगुलेशन का बिज़नेस होता है जिसका एम होता है कि हम सोशली अकाउंटेबल हो, सोसाइटी के तरफ हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि कंपनी का एफर्ट ताकि हम सोसाइटी को किसी भी तरीके के साथ इम्प्रूव कर सकें, तो वो चीज़ होगी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हमने कोई एफर्ट्स लगाए हैं जिससे हम सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सी एस आर इज़ द कॉन्टिन्यूइंग कमिटमेंट बाय अ बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिहेव इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्क फोर्स एंड देयर फैमिलीज, लोकल कम्युनिटी एंड सोशल सेट। क्या कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो एक कॉन्टिन्यू कमिटमेंट होती है बिजनेस की, ताकि वो एथिकली बिहेव करेंगे और सोसाइटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी हमारी वर्क फोर्स है उनकी जो लाइफ है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज़ करेंगे, उनकी फैमिलीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करेंगे, लोकल कम्युनिटीज़ का करेंगे एंड सोसाइटी का लार्ज लेवल तक करेंगे। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जेस्टर होता है जिससे कंपनी अपना कंसर्न, अपनी कमिटमेंट शो करती है सोसाइटी को, ताकि सोसाइटी जो है सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी की। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट ना कंपनी है, सीमेंट कंपनी। तो जो सोशल वर्क में इन्वॉल्व है कि वो 417 विलेजेस की, कंट्री की 407 विलेजेस को वो अपना सोशल वर्क कर रही है, ताकि उनका एम है कि वो सस्टेनेबिलिटी हो वहाँ पर और सेल्फ रिलायंस हो। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इंडिया की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश किया, इनका मेन फोकस है कि वो एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसको चला सके, उसको फोकस कर सके, ताकि वो सोसाइटी को इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो हेल्प कर सके लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी की। एक बिजनेस की सोसाइटी के तरफ कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट है कैरिंग ऑन बिजनेस विद मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड। जो भी हमारा बिजनेस है मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ उसको चलाना चाहिए, कि क्या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एथिकली राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। जैसे कि हमने कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी, हमने कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, हमने अपना क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है अपने कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने बिजनेस को चलाना है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करना, हमने इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके के साथ हार्म नहीं करना, कि हमने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें, वाटर को पोल्यूट करें ना, एयर को पोल्यूट करें, सॉइल को पोल्यूट करें। ऐसी चीज़ें हमने नहीं प्रोड्यूस करनी कि जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो नेक्स्ट बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल हेल्थ एंड एजुकेशन। की जो भी सोशल हेल्थ के लिए है ना, हेल्थ केयर के कोई प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हमने कॉन्ट्रीब्यूट कर देना, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूट कर देना, ताकि वो बच्चों को फ्री स्टडी करवा पाए, है ना, जो नीडी बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हायर एजुकेशन के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो फंड्स प्रोवाइड कर दें कि वो आप नीडी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, है ना। ऐसी चीज़ें, मेकिंग यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, की जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, उसको कोई भी हार्म नहीं करना, उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना, उसको सही तरीके में लगाना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे अब आजकल हैकिंग चलती है, ये चीज़ें हमने नहीं करनी, हमने एथिकल तरीके के साथ अपना बिजनेस करना है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ नहीं करना, उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, हमने टेक्नोलॉजी को हैकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट।
एक बिजनेस हाउस की गवर्नमेंट के टूवर्ड्स कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो फर्स्ट वन इज़ ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं हर एक बिजनेस को वो फॉलो करने चाहिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बिजनेस इलीगल है उसको हमने प्रमोट नहीं करना है ना, वो सारी चीज़ें हमने नहीं करनी। जो भी गवर्नमेंट ने सोसाइटी को प्रोटेक्शंस के लिए, लेबर प्रोटेक्शंस के लिए, कस्टमर की प्रोटेक्शंस के लिए जो भी लॉ बनाए हैं उनको हमने प्रॉपर केयर के साथ फॉलो करना है, उनको ओबे करना है, उनको मानना है, हमने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। ठीक है। रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए हैं बिजनेस हाउसेस पर, और ये बिजनेस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपने रेगुलर पेमेंट करनी है टैक्सेस की अपने प्रॉफिट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अपने प्रॉफिट के लिए आप अपनी जो बुक्स है, अकाउंट्स की बुक्स है, वहाँ अपना प्रॉफिट कम शो करो ताकि आपको आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स ना लगे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं गलत। वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हाउस की, वो जो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हाउस होता है वो ऐसी चीज़ें नहीं करता। सो एक अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन बनना है तो आपको जो भी रेगुलर टैक्सेस होते हैं वो सारे पेमेंट उनकी करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जिससे आपकी कंट्री की डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, आपके बिजनेस की ही नहीं, आपके जो आपकी कंट्री है उसकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अपना बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना, ताकि आपके बिजनेस के साथ साथ आपकी जो कंट्री है उसकी भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से पूछ लेना है, कल हम अपना नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना। थैंक यू क्लास।